Assalamualaikum and welcome from Deer. इस वक्त हम Deer पे हैं और Deer से हमने अपने bike का सफ़र शुरू किया है। यहाँ से देखिए जी कुमराट वैली 89 किलोमीटर, थल बाज़ार 79 किलोमीटर। सो आपको पता तो चल गया होगा आज की हमारी मंजिल है कुमराट वैली। तकरीबन 3 से 4 घंटे का रास्ता ऐसा ऐसा रुक के जाएंगे और हम रात तकरीबन 7 बजे लाहौर से चले हैं। बाइक्स अपनी बसेस पे लोड की हैं मैं और इमरान भाई और हम सुबह 5 बजे Deer पे पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया और इमरान भाई के टायर्स की हवा बस वालों ने निकाली थी टायर बाइक लोड करने के लिए, तो अभी उनमें हवा भरा कर अब हम तकरीबन 8 बजे Deer से निकले हैं कुमराट की तरफ। तो आज हमारी डेस्टिनेशन है कुमराट और हम कुमराट को अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे आसपास। आज अक्टूबर की 3 तारीख है और मौसम यहाँ पर बहुत अच्छा है, ठंड महसूस हो रही है। अभी हमने कोई लेयर्स नहीं पहनी, सिंपल राइडिंग जैकेट पहनी है, लेकिन ठंडक का एहसास हो रहा है। और लाहौर में रात को काफ़ी गर्मी थी, घर से लारी अड्डे तक जाते जाते ठीक ठाक गर्मी लगी थी। यह जी कुमराट की सड़क, अभी तक तो सड़क अच्छी कंडीशन में, आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है रास्ते की, लेकिन ज़ाहिर है अंदर ऑफ रोड पैचेस डेफिनेटली आएंगे। बाइक में तकरीबन 7 लीटर पेट्रोल डलवाया और 7 लीटर में हमने कुमराट पहुंचना है। उसके बाद बटगोई टॉप करनी है और कलाम तक हमारा प्लान है कि हम इसी पेट्रोल में जाएं। उसी हिसाब से हमने कैलकुलेशन की है, क्योंकि ज़्यादा अगर फुल कराएंगे तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है बाइक पर चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए। वाह, सड़कें इस टाइम खाली हैं क्योंकि ऑफ सीज़न हम आए हैं। सामने देखें कितना डेंस फॉरेस्ट शुरू हो गया पहाड़ों पे। इमरान भाई और मैं इंटरकॉम लेके आए थे, पिछले 2 टूर्स में हमने इंटरकॉम से काफ़ी इंजॉय किया आपस में कम्युनिकेट करके बाइक राइडिंग में, लेकिन आज हमारे इंटरकॉम कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो सफ़र ज़रा बोर गुजर रहा है, गपशप नहीं हो पा रही। अब होटल जाके देखेंगे क्या ट्रबल शूट करना है। और यार यहाँ पर भी इतना गंद फेंक दिया लोगों ने, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये सारा गंद दरिया में फेंक। ओहो वो देखें ब्रिज कितना खूबसूरत। दिस वन वो देखें दरिया के उस पार घर इतना खूबसूरत, बच्चे बाहर देख रहे हैं उनकी वो दरवाज़ों से लटक रहे हैं 3-4 बच्चे, शायद आपको नज़र ना आ रहे हो। हवा अच्छी चल रही है। इमरान भाई और ये अपनी शहजादी, दुख सुख की साथियाँ। मैंने कहा शायद रुक गया पीछे, मैं वेट कर रहा, मैं कहा शायद रुक गया। अच्छा आपने माइक लगाया हुआ है,
चले चले। लेट्स गो। ये अक्टूबर का मौसम बड़ा आइडियल है, ना गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी, ना रश ना गहमा गहमी बहुत ज़्यादा, तो यू कैन प्योरली इन्जॉय द नेचर। आज का दिन बड़ा रिलैक्सिंग है क्योंकि हमने कोई लंबा ट्रिप करना नहीं आज, सिर्फ हमने कुम्हराट पहुंचना है, तो हम आराम आराम से इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। कोई एमरजेंसी, कोई रश करने की ज़रूरत नहीं। ये तकरीबन सारा ऑफ रोड सेक्शन ही अब लगता है कुम्हराट तक। गाड़ी पे यहाँ काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, स्लो स्लो आएंगे, गाड़ी पे नहीं आप जहाँ तेज़ी से गुजर सकते क्योंकि सारा ऑफ रोड है। और ये गालिबन यहाँ फ्लड है, फ्लड की वजह से सड़कें सड़कें बिल्कुल डिसॉल्व हो गई। इस वक्त हम थल बाज़ार के पास पहुंच गए हैं। सारा ट्रैक तकरीबन ऑफ रोड है और वो आप ऊपर रास्ता देखें जाता हुआ। वो इमरान भाई ये जा रहा है ना बटगोई को? बटगोई ये जाता है ना? बिल्कुल ये जाता है, जो मोटरसाइकिल जो जाते हैं। हाँ सही है, इस पहाड़ के इस साइड पर जाता है। कितनी देर का रास्ता है? कहाँ कलाम जाना है बटगोई? कितनी देर का रास्ता? ये यहाँ से तो बड़गोई शुरू हो गया ना। अच्छा, टॉप टॉप एक घंटा लगता है। एक घंटा। ये थल बाजार की मशहूर मस्जिद है जहाँ का एक मेजर जो है लैंडमार्क, और ये साथ ही दरिया है। वो उधर ऊपर सामने ऊपर ट्रैक जाता है बड़गोई टॉप की तरफ, लेकिन हमने इस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड पे कुम्हराट वैली की साइड पे। कल हमें फिर वहाँ से वापस आके यहाँ से फिर ऊपर बटगोई टॉप की तरफ जाना पड़ेगा। थल बाज़ार को हम पीछे छोड़े हैं, थल बाज़ार से ही एक रास्ता ऊपर बटगोई की तरफ जाता है और हम सीधा सामने आ गए हैं कुम्हराट वैली की तरफ। अभी तक सुबह से हमने 75 किलोमीटर्स का सफ़र किया है, लेकिन चूँकि रास्ता सारा ख़राब है तो हमें तकरीबन 4 घंटे लग गए हैं इतना सा सफ़र करते करते। अब ये सीधी सड़क आगे कुम्हराट वैली की तरफ जा रही है। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र अभी बाकी है कुम्हराट की तरफ। चले रास्ते की शिद्दत। ओए 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 ओए, इतने बड़े बड़े पत्थर जालमों। मेरा ख्याल है इधर वो सैलाब आया तो सड़क ये देखें साथ ही बह गई। ये सड़क है असल, सड़क साथ ही चलेगी। नहीं जी, वाटर क्रॉसिंग। जूते बच के आ जाए, जूते बचा के आ जाए, आ जाए आ जाए। पाँव ऊपर रख के, ओह पाँव लगा दिए इमरान भाई। पानी चला गया होगा।
काफ़ी ख़राब रास्ता है यहाँ से। लहर की कुर्बानी देनी पड़ गई है शीशे की। इमरान आगे चढ़ाई थी बहुत ज़्यादा और सारी कच्ची सड़क थी, तो इमरान भाई की बाइक नहीं चढ़ी थी, ज़ाहिर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप थी, तो मैं अपनी बाइक खड़ी करके उनको धक्का लगाने गया हूँ। पीछे से मेरी बाइक स्टैंड नीचे जो कि नरम थी ज़मीन, मेरी बाइक नीचे गिर गई और ये वाला लेफ्ट वाला जो है ना शीशा वो शहीद हो गया। ये देखें लैंड स्लाइडिंग है, यहाँ से सैलाब आया, सड़क का नामो निशान ही ख़त्म हो गया। गाड़ी वाला कोई रास्ता नहीं अब कुम्हराट जाने के लिए, 4x4 या बाइक। सैलाब के बाद सड़क का नामो निशान ही ख़त्म हो गया, वो देखें हालात, सारा ही रास्ता टूटा हुआ है। पीछे हमने अपना सारा सामान उतार कर एक ट्रेंच सी बनी हुई थी उसमें खुद अपनी मदद आपके तहत पत्थर फेंक कर ट्रेंच को फिल किया और उसके बाद बाइक्स का सारा सामान अनलोड करके फिर बाइक्स को वहाँ से निकाला है, फिर दोबारा सामान बांधा है। इतना ये ख़राब रास्ता हो चुका है। और आगे चढ़ाई है सारी, बाइक पहले गियर में, यहाँ से अब देखें आप घना जंगल शुरू हो रहा है जैसे कि कुम्हराट में। पीछे इतना डेंस फॉरेस्ट कोई नहीं था, यहाँ पर अब जो है ना दरख्त शुरू हो गए हैं पाइन के, और इनमें बहुत खूबसूरत से साथ होटल्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब है। टूरिस्ट कोई भी नहीं है, ना कोई मोटरसाइकिलिस्ट देखा है ना कोई और गाड़ी वगैरह यहाँ पे देखी अभी तक, सब कुछ खाली पड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, खराब रास्ते की वजह से यहाँ तक एक्सेस अब काफ़ी मुश्किल होगी। गाड़ी तो यहाँ पे कोई देखी नहीं क्योंकि पीछे से सारा रास्ता बंद है, और बाइकर भी कोई नहीं देखा। होटल्स भी तकरीबन तमाम बंद है, आगे जाके देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है रिहाइश के लिए या नहीं। लेकिन इधर बड़ी बाइक लाना तो हमाकत थी क्योंकि कई जगहों पे बाइक उठा के लेके जाना पड़ी, दैट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विद हैवी बाइक। अक्रॉस रिवर देर आर पोर्ट्स, अच्छी जगह लग रही है, लेट्स गो देयर। खाना बदोश क्लैम्प्स, ये रास्ता तो बंद है, आगे से होगा, आगे से देख।
जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं? कुमराट, कुमराट वैली। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं खानाबदोश कैंप्स हैं। यहाँ से दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रास्ता कोई नहीं उधर जाने का, बाइक्स ले जाने का। एक छोटा सा ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करते हैं और आपको जाकर ये कैंप्स दिखाते हैं। यहाँ से तो काफ़ी अपील कर रहे हैं। चलें इमरान भाई, सामान अभी यहीं रहने देते हैं, अगर पसंद आता है तो फिर उन्हें कहते हैं कि जी सामान ले जाएं, या खुद आके ले जाएंगे ना। यहाँ पर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। चलें जी, लेट्स गो। खानाबदोश कैंप्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अब कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, कोई टूरिस्ट गाड़ी पे नहीं आ सकता, क्योंकि पीछे से सारा रास्ता बंद था और काफ़ी मुश्किल रास्ता था। ये देखें, एक छोटा सा ब्रिज है। यहाँ से बाइक गुजरने की जगह नहीं, वरना बाइक यहाँ पर ले आते। और ये देखें जी, और ये सामने है जी खानाबदोश कैंप्स। दो तरह के हैं, एक वो कैंप्स हैं और एक इधर है। जगह सीनिक है, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। इनकी रिसेप्शन और ये पॉड्स। यहाँ पर रिसेप्शन पे बात करते हैं, मामला तय पाते हैं तो फिर आपको इनके रूम्स भी दिखाते हैं। ये हैं जी इनके खूबसूरत पॉड्स। ये 2% पॉड है और इनके अंदर वॉशरूम भी मौजूद है, लेकिन ये ज़रा छोटे साइज के हैं, सिर्फ एक बेड आता है डबल। हम उन वाले पॉड्स में जाएंगे, वो जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, वो ज़रा स्पेशियस हैं और अंदर से बाहर का व्यू बड़ा अच्छा आता है वहाँ से। अभी आपको चल कर वो पॉड्स भी दिखाते हैं। इधर इमरान भाई ज़रा बुकिंग के मामला तय कर लें, फिर आपको लेकर चलते हैं अंदर। दरिया के बिल्कुल किनारे हैं पॉड्स। ये किचन है, अस्सलाम वालेकुम, डाइनिंग। अच्छा, वो अंदर किचन है और ये डाइनिंग। ये देखिए कितने खूबसूरत कैंप्स हैं, पॉड्स रादर। और ये देखिए ये वाला हमें देना, दिस वन। यहाँ बर्फबारी कब शुरू होती है? पहले मैंने जनवरी में, दिसंबर में नहीं होती। रात के टाइम कैसा मौसम होता है? ठंड होती है। कंबल चंबल लेके सोते हैं? जैकेट पहननी पड़ती है। सर सर्दियों में रास्ता खुला रहता है कुमराट का? जनवरी में बंद हो जाता है और फिर खुलता है जाके मई में। ले जी, चाबी आ गई। सो दिस वन इज द रूम, रूम नंबर 5, खानाबदोश ग्लैम्प्स। चलो जी, थैंक यू। वाह जी वाह, लाइट चल जाएगी।
ये देखें जी, डबल बेड, सोफ़ा और ये सिटिंग अरेंजमेंट टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और बाहर का व्यू। वो बाहर इमरान भाई का भूत फिर रहा है, वो देखें इमरान भाई का भूत। नहीं यार थैंक यू, वो हम आते हैं ना तो हमने बाइक्स ना पार्क करनी है, क्योंकि वो जो दरिया के उधर है, ये सेफ जगह पे थोड़ी देर में आते हैं बस। थैंक यू जी। इमरान भाई को ये क्रेडिट जाता है, इमरान भाई ने ना कहा है इसी में इधर ही रहना है, अम्मी मैंने यही सोना है, इसके अलावा मैंने कहीं सोना ही नहीं है। तो इमरान भाई फंस गए थे इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। चलें इमरान भाई के साथ बैठ के ना यहाँ कॉफी पियेंगे, डेट मारेंगे। सही है, कोई मिसिंग है बीच में बंदा? हाँ, एक बंदा मिस है, हाँ मिस है, वो लाहौर रह गया। बड़ा मिस किया उसने, बड़ा हाँ वो लाहौर रह गया, मिस किया। वरना अगर वो होता ना तो हम ये दरिया में से मोटरसाइकिल निकाल के ले जाते। उधर भी नहीं खड़ी करनी थी हमने, इधर लेके आनी थी, इधर एक लैंप के सामने मोटरसाइकिल आनी थी इधर खड़ी हमारी। करनी थी। ये हम डॉक्टर मोहम्मद की बात कर रहे हैं, ये हमारा दरीना साथी टूर फेलो जो कि हर साल हमारे साथ जाता हाँ जी, है। हर साल हाल में मन। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और हम आकर दोपहर को इतने थक गए थे क्योंकि रात का सफ़र किया हुआ था, तो हम आकर सो गए। तकरीबन 4 बजे सोए हैं और 8 बजे उठे हैं। और आप इस वक्त यहाँ का सीन देखें, पॉड्स का सीन देखिए, पीछे दरिया, दरिया की आवाज़ और ये सारे पॉड्स। अच्छी जगह है फॉर नाइट स्टे, पीसफुल है और दिस ऑल एरिया इज़ फेंस्ड, यहाँ पर सारी आसपास बाड़ लगी हुई है, तो इट इज़ अ सिक्योर प्लेस फॉर फैमिली एंड फॉर फ्रेंड्स और फॉर एवरीवन। चलें, उम्मीद करते हैं आपको आज का सफ़र अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और आपने इस जगह पर लाजमी आना है। मौसम इस वक्त बहुत अच्छा हुआ है, ठंड होगी हुई है काफ़ी, और कल हमारा प्लान है कि अब हम बट गोई टॉप करेंगे। कल वाला दिन भी एक बहुत एडवेंचरस डे होने वाला है, लेकिन कल हम बिल्कुल फ्रेश होंगे। आज काफ़ी थकावट हो गई हुई थी क्योंकि रात का सफ़र काफ़ी लंबा था, 10 से 11 घंटे बस का, हम ठीक से सो नहीं पाए। तो इंशाल्लाह सुबह दोबारा मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।